तो है गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अमेजोन पे से बिजली बिल कैसे पे करें। हाँ गाइस, इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ कि अगर आप अमेजोन चलाते हैं तो अपने अमेजोन से कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। यहाँ गाइस, अगर आप पे अगर आपका बिजली का बिल आता है तो घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो, वो भी आप अमेजोन पे से। अगर क्योंकि अमेजोन पे में कभी कभी क्या होता है कि जो हम प्रोडक्ट मंगाते हैं तो वो पैसा हम अपने अमेजोन पे में मंगा लेते हैं, फिर हमारे अमेजोन में पे में पैसा बहुत रहता है या हम उसे यूज नहीं कर पाते हैं। अगर आपको यूज करना है तो कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं कि कैसे अमेजोन पे से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं। तो गाइस, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, प्लीज़ उसे टच कर दीजिएगा। बराबर में एक नोटिफिकेशन बेल आने एक घंटे के निशान उसे टच करके ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, फ्यूचर में जब भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, तो सब्सक्राइब करे तो घंटी को जरूर दबे। तो गाइस, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए यहाँ पर अमेजोन अप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं अमेजोन एप्लीकेशन से ब्राउजर से ओपन कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने सर्च किया अमेजोन डॉट इन, ठीक है। यहाँ पर तो सर्च करने के बाद ही यहाँ पर ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ पर तीन लाइन दिख जाएंगी, यहाँ पर सिंपली आपको तीन लाइन पर आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप तीन लाइन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह आपको इंटरफेस आता है, ठीक है। तो आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको अमेजोन पे, ठीक है। यहाँ पर अमेजोन पे, सिंपली अमेजोन पे पर करना है आपको क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अमेजोन की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, अमेजोन पे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा आपको ऑप्शन दिख जाएगा, बट जस्ट उसके बगल में यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक इलेक्ट्रिसिटी, सिंपली आपको इलेक्ट्रिसिटी पर करना है क्लिक। चलिए मैं करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि सेलेक्टेड योर यहाँ पर सेलेक्ट कर सॉरी सेलेक्ट करने के बोल रहा है कौन से स्टेट से आपका, कौन सा स्टेट में कौन है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे बोला है कि सेलेक्ट योर इलेक्ट्रिसिटी ब्रांड, मतलब कंपनी कौन सी आपको प्रोवाइड करती है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कंपनी करती है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया गाँव के सिटी के वो सेलेक्ट कर लिया, मतलब कि प्रोवाइड करती है कंपनी। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या बोला है, इंटर इंटर यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको इंटर कर देना है, चाहे तो आपको उसको उपभोक्ता संख्या नंबर भी बोलते हैं, कई तरह से बोलते हैं। यहाँ पर मैं अपना पेस्ट कर लेता हूँ, पहले ऑलरेडी कॉपी किया करके रखा हूँ। फिर उसके बाद फीस बिल पर कर दीजिए क्लिक, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत डाल लिया। करने के बाद क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर कस्टम आईडी वही है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है। जैसे मैंने डाला यहाँ पर बोल रहा है कस्टमर नेम, कस्टमर के नाम आ चुका है, यहाँ पर डेट आ चुका है, यहाँ पर जितना आपने जब तक बिजली यूज किया है उतना यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर बिजली अमाउंट आ चुका है आपका, यहाँ पर 200 कुछ रुपये मेरा गिरा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका जितना भी गिरा होगा वो दिखा देगा, यहाँ पर 2 से 3 वीक में मतलब मेरा गिरा हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगा, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मैं पे करना है तो कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, मैं कर दिया। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड आ चुका है, और यहाँ पर अदर्स यूपीआई ऐप, अगर आप कोई अदर्स यूपीआई ऐप यूज करते हैं तो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी पेमेंट यहाँ पर पे कर सकते हैं। अगर आपके पास एटीएम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड है तो सिंपली इस पे क्लिक करके आप पे कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो वो भी कर सकते हैं, कि यहाँ पर सारा पेमेंट का सुविधा दिया गया है। अब बात करें ज़्यादातर लोगों के पास एटीएम होता है तो उससे कैसे पे कर सकते हैं। अगर आपके पास एटीएम है तो यहाँ पर एटीएम नंबर, नाम, सीवीवी नंबर, यहाँ पर एक्सपायरी नंबर डालने के बाद सिंपली ऐड टू कार्ड पर क्लिक कीजिए, और आपके मोबाइल पर नंबर एक ओटीपी जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, वो डालकर पेमेंट कटवा सकते हैं और आपका पेमेंट पे हो जाएगा ऑनलाइन, आपको बिजली ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अगर यूपीआई जिसे यूज करते हैं, जैसे कि भीम में भीम यूपीआई, जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, अगर उस वॉलेट में पैसा है तो यहाँ से भी भर सकते हैं। तो बहुत ईजी प्रोसेस है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ चुका है कि कैसे पे कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक बाय।